आज सुबह लगभग 11 बजे हम लोग को खबर आई कि उमानंदा टापू पे एक रॉयल बंगाल टाइगर है। हमारी टीम, वेटनेरियंस की टीम और जू कीपर्स की टीम साथ साथ मूव करी, रेस्क्यू टीम। उसके बाद पहले जगह आइडेंटिफाई किया कहाँ पे है, कैसे है। उसके बाद स्ट्रेटेजी बनाई गई कि इसको कैसे ट्रैंक्विलाइज करें, क्योंकि सामने ब्रह्मपुत्र थे बिल्कुल। अगर बाई चांस ये वापस आके ब्रह्मपुत्र में गिरता तो उसमें भी डर था कि पानी में डूब जाएगा। तो ये हैड टू सी द सेफ्टी ऑफ द एनिमल फर्स्ट। और उसके बाद चूँकि यहाँ पर भी भीड़ काफ़ी है तो ये भी देखना था कि ट्रैंक्विलाइज करते हुए भाग के किसी आदमी के ऊपर अटैक ना करें। तो वो सब देखते हुए हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। आई रियली थैंकफुल टू माई वेटनेरियंस, टू माई जू कीपर्स, जितने भी लोग हमारी टीम में हैं उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। दे आर अराउंड 23 पीपल अप्रॉक्सीमेटली, बिकॉज काफ़ी लोग इधर उधर से भी साथ में आ गए थे। विद द हेल्प ऑफ द कामरूप ईस्ट डिवीजन ऑल्सो। हाँ, उसके अभी हम जाके फर्स्ट एड करवाएंगे टाइगर को खींचते, क्योंकि जगह बहुत छोटा था। तो उसमें ट्रैंक्विलाइज करने के बाद सबसे बड़ा परेशानी यही आया था कि वहाँ से हम निकालेंगे कैसे उसको, बिकॉज बिल्कुल फंस गया था, आदमी के जाने की जगह नहीं थी, आप लोगों ने देखा। तो उसमें निकालते हुए एक को हल्का सा नेल लगा है, तो उसका वैक्सीनेशन अभी हम जाते शुरू कर रहे हैं। उसके बाद टाइगर को कहाँ पे अभी तो जू में थोड़ी देर लेके जाएंगे, पहले इसकी हेल्थ चेकअप करेंगे कि इतना स्टे हुआ है तो क्या रीज़न रहा है। अगर ये ठीक होता है तो इसको फिर एज पर द इंस्ट्रक्शन की मोस्ट प्रॉब्ली वाइल्ड में रिलीज़ कर देंगे। अगर ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बेटर यही होगा कि इसको वाइल्ड में रिलीज़ कर देंगे। रॉयल बंगाल वैसे देखा नहीं जाता यहाँ पे, इसके बारे में अभी हमें भी देखना पड़ेगा। इसका स्ट्राइप्स का फोटोग्राफ्स लेके हम लोग आइडेंटिफाई करवाएंगे, क्योंकि हमारे डाटाबेस में ये है कि नहीं है, कहाँ पे है, कहाँ से मूव किया है, वो सब पता लग जाएगा एक बार स्ट्राइप्स का आइडेंटिफिकेशन हो जाए तो।